क्या ताजमहल बन जाएगा तेजो महल है? आज से पहले कई पुरातात्विक और प्रतिष्ठित सड़कों मार्गों का नाम बदलने की प्रथा देखी गई है। अब इस कतार में आगरा के ताजमहल भी शामिल हो गया है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक कहे जाने वाला ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल रखने का प्रस्ताव दिया गया है। यह प्रस्ताव ताजगंज के बीजेपी पार्षद शोभाराम राठौर द्वारा कल दोपहर 3 बजे नगर निगम सदन के अधिवेशन में रखा गया था। ताज नगरी कही जाने वाली आगरा में पिछले 4 सालों के दौरान तकरीबन 80 से ऊपर सड़कों और मार्गों का नाम बदला गया है। ताजगंज जिस इलाके में ताजमहल स्थित है, वहीं के पार्षद शोभाराम राठौर ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि ताजमहल का नाम भी बदला जाए। हालांकि इस सब की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है। बहुत वक्त से हिंदूवादी संगठनों द्वारा इस नाम को बदलने के लिए कई प्रकार के तर्क लगाए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में आगरा में इन जगहों में बदले गए नाम। घटिया आजम खान का नाम बदलकर अशोक सिंघल मार्ग, कमलानगर का नाम महाराजा अग्रसेन मार्ग से रखा गया, धुलियागंज चौराहे का नाम बदलकर विनायक वीर सावरकर मार्ग रखा गया और मंडोला कंगाल पाड़ा का नाम वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर बदला गया। कई हिंदूवादी संगठनों द्वारा किए गए दावे के अनुसार ताजमहल से पहले वहां शिव मंदिर होने का दावा है। दावा किया गया है कि आज भी ताजमहल के 22 कमरों में मंदिर होने के सबूत हैं। इसी संबंध में इलाहाबाद के लखनऊ हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी और ताजमहल के तहखानों में बंद उन 22 कमरों को खुलवाने की मांग की गई थी, जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि ताजमहल से पहले वहां शिव मंदिर था। हिंदू संगठनों द्वारा किए गए लगातार विरोध में कई बार हिंदू संगठनों के नेताओं ने भगवा कपड़े पहनकर ताजमहल के अंदर जाने की कोशिश की थी। कई बार महल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी विवाद हुआ है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।